हेलो गाइस, मेरा नाम हसन सिद्दीकी है। मैं फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं 5 डियो के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आपके डेली वेयर के लिए और समर में लगाने के लिए। ये आपको 200 रुपये के नीचे मिल जाएंगे, 200 के आसपास मिल जाएंगे। कभी कभी सेल चलती रहती तो भाई ये सब आपको 100 रुपये के आसपास, 120, 130। कभी कभी आपका दिन ख़राब होगा तो हो सकता है 250-300 रुपये भी इनके रेट से आ सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पर जो है प्राइसेस ऊपर नीचे हुआ करते हैं। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे फियामा का ये हैप्पी नेचुरल्स, ये इनका परफ्यूम मिस्ट है, फिर ब्रूट का ओरिजिनल, और ये डेनवर का हैमिल्टन, ये 1804 का, ये 50 ml का परफ्यूम है। तो ये मेरे पास 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मेरे पास एक्चुअली दो हैं। अब जैसे ये अभी पैक रखा हुआ है और इस पे भी अभी इंटैक्ट है एकदम, तो ये मेरे पास दो रखे हुए हैं, तो मैं इनको गिव अवे करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, बस आप जस्ट कमेंट में लिख देना कि कमेंट्स में क्या लिखेंगे आप। आप लिख देना कमेंट्स में #love, ऐसे दिल बना दीजिएगा, ठीक है? तो जिसका दिल सबसे अच्छा दिखेगा हमें, हम उनको ये एक एक करके भेज देंगे चारों लोगों को। बस यही है और कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस दिल बना दीजिए। बहुत सारा दिल चाहिए मुझे इस कमेंट, इस वीडियो के नीचे। और जो सबसे पहला परफ्यूम हम, सबसे पहला जो डियो हम उसके बारे में बात करेंगे, डियो नहीं है, एक परफ्यूम मिस्ट है। इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है यार मिस्ट का, और ये ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ यूज़ करती हैं। लड़कों में मिस्ट वगैरह यूज़ करने का इतना चलन नहीं है, पता नहीं क्यों यार हम लोगों को ऐसे यू में आ जाता है। ये हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा आ जाता है। बट ये अच्छा लगा मुझे, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये हल्का सा, मतलब बोले तो मतलब बहुत ही वाटरी है, मज़ा ही आ गया यार। हाँ, तो इसकी जो खुशबू है, इसके जो नोट्स हैं, इसमें है बर्गमॉट, मैंड्रिन, ब्लैक पेपर, पेपरमिंट, यूजू, एम्बर, मस्क। काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और क्लीन सिट्रस। जो एक सोप आता था ग्रीन कलर का, क्या नाम था उसका, सिंथॉल ग्रीन, नहीं ग्रीन कलर का एक सोप आता था, बहुत फेमस है यार। अच्छा, अभी हम लोग तो डिटॉल पे आ गए हैं, तो बहुत सालों से उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन उसकी एकदम एग्जैक्ट याद दिलाता है। मैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं कि ये जितने भी डीओ हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है डिपेंड करता है आपकी स्किन पे के ऊपर, और आप किस लेवल के यूज़र हैं, समझ रहे हो? अब जैसे मैं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से फ्रेग्रेंसेस यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गया जब से हैवी यूज़ करना चालू किया। तो उसके बाद होता क्या है कि ये डीओ जो हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है, तो मुझे अपने यहाँ जो लड़के काम करते हैं उनके ऊपर टेस्ट करना पड़ता है कि भाई कितनी देर आपके ऊपर रुक रहा है, क्योंकि हम लोगों की स्किन पर अब बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं रुकने लगे हैं, और नोज़ जो इतनी ज़्यादा डिटेक्ट भी नहीं कर पाती, और स्पेशली ये जो डीओज होते हैं उनकी। लेकिन जब दूसरों पर टेस्ट किया तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा रुका है, 5 से 6 घंटे कपड़े पे रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। किन पे है ये, 3 से 4 घंटे रहता है, गर्मी भी अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस प्राइस पे मिल रहा है, आई थिंक 200 कुछ रुपए का मुझे मिला है। मैंने कई सारे ख़रीदे थे तो सब मिला के 1000 रुपए का आया था, 4 आई थिंक, तो 200 कुछ रुपए का मिल रहा है। और ये जो बॉटल है ये 120 ml की बॉटल है। अगर आपको जिम जाना है, ऑफिस जाना है, इसमें ले जाके रखिए, बैग में बढ़िया मारते रहिए। और इसकी जो MRP इन्होंने दी है 370 रुपये दी हुई है, फोकस कर जाओ भाई, ऑनलाइन काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से, और अगर आपके लोकल मार्केट में मिल रहा है तो आप वहाँ से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हल्का सा क्रीमी, थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्का सा, इसके अंदर एक पाउडर टाइप की एक इसमें लाती है जो बच्चों के पाउडर में होती है, तो वो हल्का सा ऑफ पुटिंग है। बट अगर आपको ये मिल जाए टेस्ट करने के बाद, अगर आप इसको टेस्ट करने का कहीं मौका मिल जाए तो ले सकते हैं, वरना काफ़ी सस्ता है, लिया जा सकता है ये, बिना मेरे हिसाब से ब्लाइंड बाई भी किया जा सकता है। तो आप ये ट्राई करिए, इसका नाम है फियामा का हैप्पी नेचुरल्स परफ्यूम मिस्ट यूजू एंड बर्गमॉट, ये इसका वेरिएंट है, और कलरफुल काफ़ी है, ग्रीन कलर वाला जो है आप इसका ट्राई करिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला डीओ या फिर परफ्यूम मिस्ट। सेकेंड जो हमारी लिस्ट में है, इसका नाम है सिल्वर शेड, और ये जो है अजमल की तरफ से, ये जो मुझे मिला है कुछ 200 रुपए का मिला है, और ये जो है इसके ऊपर MRP 400 रुपए लिखी हुई है, लेकिन मिला 200 का है, 200 ml का ये डीओ है। काफ़ी बढ़िया डीओ बनाता है अजमल, अजमल के डीओ और परफ्यूम में बहुत कम ही फ़र्क होता है मैंने देखा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी रहती है। और ये जो है एक परफ्यूम आता है क्रीड का नाम है सिल्वर माउंटेन वाटर, बहुत महंगा परफ्यूम है, तकरीबन 25,000 रुपए की एक बॉटल आती है उसकी 100 ml की,
अगर आप रिटेल लेने जाओगे, और उसी परफ्यूम का ये क्लोन है। इसके जो नोट्स हैं ब्रांड ने बताए हुए हैं, ब्लैक करंट, प्लम, लेमन, बर्गमोट, रोज, जैस्मिन, आयरिस, सैंडलवुड, टोंका, व्हाइट मास, सीडरवुड। काफ़ी क्लीन, फ्रेश, और इसमें जो है रोज जैस्मिन वगैरह दिया, इतना ज़्यादा उठ के नहीं आता है। इसको अगर आप स्मेल करोगे तो एक मस्की सा क्लीन मेटैलिक टाइप की एक नोट आती है, काफ़ी ओजोनिक क्लीन सा फ्रेश स्मेल है, और काफ़ी बढ़िया है। सस्ते प्राइस पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं लगता है कि काफ़ी एक अपने से कुछ सस्ता चीज़ लगाया हुआ है। एयर में बहुत बढ़िया स्मेल करता है, और ये मेरी कोई पहली बॉटल नहीं है, दूसरी तीसरी बॉटल है, क्योंकि इससे पहले जितनी बॉटल आई हैं मैंने आधी यूज़ करी, आधी कोई लेके चला गया, कज़िन दोस्त सब, मतलब हम एक टाइम के बाद हम सप्लायर बन जाएंगे भाई इन सब चीज़ के, तो इनको बहुत बचा के रखना पड़ता है। पता नहीं इसमें ऐसे कितने गायब हो गए हैं, हमें खुद भी नहीं पता, तो ये सब होता रहता है। तो ये था हमारा दूसरा सिल्वर शेड, ये भी काफ़ी बढ़िया है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। लॉन्जिटी वगैरह वही है जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल 5 से 6 घंटे आपको आराम से मिल जाएगा कपड़े और उस पर मिला के, आप क्योंकि ये सस्ते हैं आप इनको रीअप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी मशहूर है, इसके ऊपर इन्होंने इम्पोर्टेड क्वालिटी भी कुछ लिखा हुआ है, इम्पोर्टेड ऑथेंटिक मेड इन यूरोप ब्रूट करके, ये बहुत क्लासिक है यार, ये काफ़ी पुराना परफ्यूम डीएनए है, 80s 90s में आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और अभी भी ये काफ़ी चल रहा है। लेकिन जो स्मेल है वो उसी टाइम टाइप की है, क्योंकि उस वक्त जो स्मेल होती थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाबर शॉप टाइप के, मुझे लगता है उस वक्त ज़्यादा परफ्यूम चलते थे, क्योंकि जितने भी क्लासिक परफ्यूम आप स्मेल कर लो कहीं ना कहीं वो बाबर शॉप वाला टच होता था, एक पाउडरी सा वो फील होता था। तो ये उसी का एक डियो है। अब इसके अंदर जो नोट्स बताए ब्रांड ने, सैंडलवुड, लैवेंडर, पचुली, जैस्मिन, वनीला, जैसे मैंने बताया ये एक आपको जो फील देगा वो प्रॉपर एक बारबर शॉप की फील देता है। इसमें एक नोट है, पता नहीं कौन सा हो सकता, पचुली है या जैस्मिन है, जो इसमें मुझे लग रहा है कि इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन एक पहले ज़माने के जितने भी परफ्यूम आते थे उसमें इस नोट का यूज़ होता था, और काफ़ी उसको ना एक एक विंटेज और पुराना टाइप का फील देता रहता है, एक नोट है होता है अजीब, हो सकता है ये पचुली ही हो, लेकिन एक डिफरेंट टाइप की पचुली, क्योंकि पचुली भी बहुत टाइप की आने लगी है आजकल, वाइट, ब्लैक, कुछ भी चल रहा है। मुझे लगता है ये लैवेंडर और पचुली का ब्लेंड होगा, क्योंकि इतना इंटेंस नहीं होता, काफ़ी लाइट होता है और काफ़ी क्लीन सा फ्रेग्रेंस होता है। ओवरऑल ये भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से उनको काफ़ी अच्छा लगेगा जिनकी एज 25 से 30 के अराउंड है, का जो टेस्ट है हल्का सा ग्रीन फ्रेग्रेंस इसमें होना चाहिए, तभी ये मज़ा आएगा, वरना मेरे हिसाब से ये काफ़ी ना एक वो पिताजी वाला परफ्यूम टाइप का हो जाएगा, तो थोड़ा सा संभाल के, मतलब फादर्स डे पे फादर को आप ये गिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह का डियो है, काफ़ी अच्छा लगेगा, लोगों को काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा डियो। चौथा डियो जो है ये है, आता है जस्ट हर्ब की तरफ से, और ये जो इनका वेरिएंट है इसका नाम है सॉल्ट एंड सैंड। अब ये जो डियो है, इनिशियली जो मैंने फर्स्ट टाइम इसको स्मेल किया था, मुझे लगा भाई ये मैंने कुछ गलत स्मेल कर लिया क्या, क्योंकि ये जो है सॉल्ट एंड सैंड तो कहीं से नहीं लग रहा है, इस पर इन्होंने नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रीड अवेंटस का एकदम क्लोन टाइप का लग रहा था इनिशियल। इसका पंच जो है हवा में ऐसे स्मेल करता था, ऐसा लगता है कि क्रीड अवेंटस ही स्मेल कर लिया है, लेकिन बाद में इसके नोट्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं, और ये कि सिर्फ एयर में ही होता है, अगर आप स्ट्रिप पे या स्किन पे लगाते हो अलग स्मेल करता है काफ़ी। इसके जो नोट्स ब्रांड ने बताए, सिट्रस, कुकम्बर, खीरा डाल दिया भाई इसमें, और वाटर, लोटस, लैवेंडर, सेजवान पेपर, व्हाइट सीडरवुड, अच्छा ये सीडरवुड भी व्हाइट आने लगा, पचुली, मस्क, कयाकुड और सैंडलवुड। काफ़ी बढ़िया ये लगा मुझे, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्मेल काफ़ी क्लीन है, और बहुत ज़्यादा एकदम एक्वाटिक ब्लू टाइप का नहीं है कि भाई एकदम जो आज जो मोस्ट ऑफ द डीओ होता है क्या है कि समंदर वही एक्वाटिक ओजोनिक्स टाइप की स्मेल, और साथ में हल्का सा एगी टाइप की स्मेल आने लगती है उसमें से, ये उस तरह का नहीं है। इसमें हाँ, इसमें ओपनिंग में वाकई में ये हल्का सा सिमिलैरिटी मारता है, क्योंकि जैसे 1965 जो अपना परफ्यूम है सलमान भाई वाला, उसका भी हल्का सा टच देता है ये। हाँ, काफ़ी हल्का वाटरी, फ्रेश, क्लीन सा फ्रेग्रेंस है, हल्का सा बैकग्राउंड में इसके वुडी स्मेल है, एक क्रीमी वुडी सैंडलवुड का भी बेस में काफ़ी अच्छा नोट आ रहा है इसमें। तो ये है हमारा जस्ट हर्ब का सॉल्ट एंड सैंड, और ये था हमारा चौथे नंबर का परफ्यूम या डियो,
और जो पांचवे नंबर पे हमारा डीओ आता है इसका नाम है ब्लू और ये आता है अजमल की तरफ से। अजमल का ये जो डीओ है ये मुझे वन ऑफ दी बेस्ट डीओ लगता है। अगर मैं टॉप 10 की कभी लिस्ट बनाऊँ तो ये डीओ उसमें ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो डीओ है ये आपका टिपिकल जो डीओ है उस तरह से फील नहीं होता। ये है तो फ्रेश क्लीन समर वाला डीओ, लेकिन इसके अंदर जो स्मेल है दूसरे नोट्स को जितना अच्छे से कैप्चर किया गया वो बहुत बढ़िया। जैसे इसके अंदर ब्रांड ने जो बताया जैसे वाटरमेलन, बर्गमॉट, लैवेंडर, लोटस, जैस्मिन, एम्बर, मस्क, सैंडलवुड, ये सारे नोट्स दिए हैं। इसके अंदर जो वाटरमेलन का नोट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इनिशियली लगता है कि ये वाटरमेलन है कि मेलन है सादा, क्योंकि ये इतना बढ़िया नोट है। और साथ में इसमें जो इन्होंने लोटस लिखा हुआ है, अब देखोगे जनरली जो है लोटस का यूज़ बहुत कम परफ्यूम्स में होता है, और जब होता है तो काफ़ी ना वो एक नीच टाइप का लोटस का नोट हो जाता है और वो बहुत इंटेंस हो जाता है, तो इतना मज़ा नहीं आता। जैसे अभी अगर आप बात करें जैसे रू गुलाब हो गया, रू गुलाब में बहुत इंटेंस होता है अगर अपने असली फॉर्म में देखा जाए, लेकिन जब उसको लाइट करते हैं और रोज़ वाटर में जो स्मेल आती है सिंथेटिक वाले में, वो कितना क्लीन और साफ़ रोज़ लगता है, वो वैसा लोटस का नोट है और काफ़ी क्लीन पाउडरी टाइप लोटस का नोट इसमें यूज़ हुआ है। और उसके ऊपर जो है इसमें इन्होंने यूज़ किया है ये वाटरमेलन, तो काफ़ी वाटरी, फ्रेश, मस्की सा फ्रेग्रेंस, और साथ में एक इसमें हल्का सा फ्लोरल टच है, और के ऊपर ही आपको इसमें एक लोटस का नोट मिलेगा। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया। और मुझे याद है मैंने काफ़ी आई थिंक 3-4 साल पहले एक वो किया था, गिव अवे किया था, उसमें ये बॉटल जो है एक बहुत ही ख़ास शख्स के पास गई थी, तो वो भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरी आई थिंक ये तीसरी बॉटल है। और ये आपको अमेज़ॉन पे तकरीबन ये 200 रुपये का मिल जाएगा, इस पर प्राइस तो पड़ी हुई 400। और बॉटल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप इस किसी को गिफ्ट देंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। और ये जितने भी परफ्यूम्स के बारे में मैंने बात करी है अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं, और ये सारे मैंने वहीं से परचेज़ करें, आप भी वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट डीओ कौन सा लगता है और क्या स्टोरी है डीओ के अराउंड आपकी, क्या आप डीओ लगाना पसंद करते भी हैं या नहीं करते। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।